दुनिया भर में कई फेमस पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता हैं। अब इन राजनेताओं के पर्क्स तो हम सभी को पता है, सरकारी गाड़ियों से लेकर आलीशान बंगला और सिक्योरिटी, दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट जेट्स और लग्जरी होटल्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन राजनेताओं को इतने सारे पर्क्स के अलावा सैलरी कितनी मिलती है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के राजनेताओं की सैलरी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि किस देश के राजनेता सबसे अधिक सैलरी देते हैं। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियान लुंग पुरी को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार उन्हें सालाना लगभग 1.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोंग ली का चूका है, जो दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं। बता दें उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी अधिक सैलरी मिलती है। साउथ चाइना के मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीउ को हर साल करीब 6 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उन्हें $10,000 से अधिक का एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है स्विस कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन एलेट बर्सेट का। स्विस गवर्नमेंट के अनुसार उन्हें हर साल 4.16 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में मिलती है। वहीं अगर आप बात भारतीय राजनेताओं की करें तो भारत में सबसे अधिक सैलरी देश के राष्ट्रपति को दी जाती है। उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं, जिसमें उनका कंपनसेशन और अलाउंस दोनों शामिल होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई तरह के पर्क्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपए महीने और देश के प्रधानमंत्री को 2 लाख रुपए महीने की वेतन दी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण।